हे एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोफेसर्स कॉर्नर। और आज मैं नहीं कुछ क्लिप्स ना ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला आज ब्लॉगिंग का। सो मैं लेट पोस्ट भी करूँगी एंड अभी नाइट रूटीन दिखाऊंगी आपको, नाइट का डिनर वगैरह दिखाऊंगी। और एक चीज़ मुझे जो रिसीव हुई है वो मैं दिखाने जा रही हूँ। एक्चुअली ये पानी का बॉटल गिर रहा था, मैं ये पानी का बॉटल ख़त्म कर देती हूँ। मैं बहुत सारे बॉटल ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, समर सीज़न है तो हमें पानी और चाहिए होता है एंड हाइड्रेट करना भी ज़रूरी है। तो अभी बज रहे 6। वैसे तो मैं, जैसे आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि मैंने डिनर की तैयारी कर दी है। मैं लंच बोल रही थी थोड़ी देर पहले, मेरी होता है हमेशा। डिनर की तैयारी कर रही थी, तैयारी कर चुकी हूँ एंड अब मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग, गेट सेट एंड कम ऑन। यहाँ पे कुछ तूफान के जैसे आ रहा है, बहुत हवा चल रही है और ये सारा मट्टी उड़ रहा है। अब यहाँ पे ना तूफान आना चालू हुआ, अब बेचारों का घर है ना सब उड़ रहा है। ये रहा तूफान आना चालू, उनका पूरा उड़ के चला जाएगा, क्योंकि इतना तेज़ है सब कुछ, इतना तेज़ है। ये शायद बुरा ही हो जाएगा, ये फट गया उतनी देर में। लुक एट दिस, ओह माय गॉड, अरे इनका घर जो है वो उड़ रहा है एंड दिस चला सकते हैं वजह बेचारे यार। सब उनका घर एकदम उड़ रहा है देखो, एंड यहाँ पे पूरा फट गया है ये। सो सैड, पूरा उड़ गया है उनका घर, क्योंकि बहुत तेज़ वाली तूफान चल रही है। आपको इस कैमरा में नहीं दिख रहा होगा बट बहुत तेज़ चल रही है। ये आधी ये फ्लिपकार्ट से रिसीव हुआ है, बहुत इजी है। जो जिन जिन्होंने यूज़ किया है ना, वो मुझे फीडबैक दे कि आपको यूज़फुल लग रहा है कि नहीं। मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है और आज के दिन में मैंने 2 बार इसे यूज़ भी किया है। कैसे यूज़ करते हैं ये मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। इसे कैसे यूज़ किया जा सकता है ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ। मैं आज सुबह से 2 बार यूज़ कर चुकी हूँ। एक्चुअली एक बार चाय पत्ती डाली थी और चाय बनाई थी, तो फिर मुझे चाय चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सारी इसमें ही चली गई। तो डायरेक्ट आप दूध डालकर कप में इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। और सेकेंडली, अभी मैं छोले बनाने जा रही हूँ, तो आपको पता है कि छोले बनाते टाइम हम चाय पत्ती कड़े मसाले ये सब यूज़ करते हैं और एक मसलिन क्लोथ में डालते हैं। कभी कभी क्लोथ का धागा भी निकलता है तो वो नो हुड में रह जाता है, जो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है और एक किचन हैक और गैजेट भी बोला जा सकता है। गैजेट तो मशीनरी चीज़ तो है नहीं, पर ये एक किचन हैक है जिसमें मैंने ये सारे कड़े मसाले डाले। मैं आज मसाला छोले बनाने जा रही हूँ, अमृतसरी छोले नहीं, अमृतसरी छोले में चाय डाला, चाय की पत्ती डाली जाती है कलर आने के लिए। सो यहाँ पे मैंने उसे डाल दिया है, सारा फ्लेवर उसमें आ गया है और एकदम क्लियर है। आपको अलग से उसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सीधा एक जो आप भी ये चन्नी डाले थे उसको निकालने की ज़रूरत है और सारा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे बन गया है मेरा डिनर, वो है छोले, मसाला छोले, और ये बहुत ही टेस्टी बना है। और जिस जिसको पता है कि मसाला छोले या फिर अमृतसरी छोले में घी, ये एक आलू जाता है ऑथेंटिक छोले में, फ्राइड आलू जाता है घी में फ्राई करके, बहुत ही यमी बनता है। अगर आपने दावे में खाया हो तो आपको पता होगा। एंड आपको मेरा वीडियो, ये वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लविंग योरसेल्फ।